मिर्ची एफएम इज नंबर वन इन सिंगापुर। और किसके सुनिए यार, हमारे एक सच्चा साथी है मिर्ची एफएम लंबा साथी। आई लव मिर्ची एफएम, इट्स सो हॉट। देखिए मैं लाल लाल खाए में हाय हाय टंगी टंगी तौबा में मिर्ची एफएम इज हॉट। हियर एट रग्बी टाउन सिंगापुर लव लिसनिंग टू मिर्ची एफएम। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। मिर्ची एफएम इज नंबर वन इन सुबा, इट्स हॉट। हम वहींगली लंबासा में रहता है तो के का बताए, हम मिर्ची एफएम सुनता है। मिर्ची एफएम बहुत जुलुम जुलुम। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नांदी में आज रात भर बाढ़ चढ़ने का खतरा लागू है। अधिकारियों ने आज सुबह शहर को बंद कर दिए थे तथा लोगों को आदेश दिया गया था कि वे बेसब्री से इधर उधर ना घूमें। आज शाम नांदी में बाढ़ का पानी एकदम ज़्यादा यानी क्रिटिकल लेवल पर था। लोगों से मांग की गई है कि वे अपने तथा अपने परिवार वालों पर खास ध्यान रखें। आज सुबह से कुल मिलाकर 24 परिवारों ने 6 इवैक्यूएशन सेंटर्स में शरण लिए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री वरेंगे बैनिमारामा ने सभी सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया है। बैनिमारामा का कहना है कि सभी क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए अधिकारी बिल्कुल तैयार हैं। डिस्मैक के अधिकारियों के साथ एक सभा के बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे मौसमी रिपोर्ट पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी बताया कि सभी इवैक्यूएशन सेंटर्स में पर्याप्त सुविधा होना जरूरी है। किंग्स रोड से होकर सुबह से बाग की ओर यात्रा कर रहे लोग फिलहाल राकिराकी में फंसे हुए हैं। राकिराकी पुलिस अफसरों ने बताया कि एफएससी के पास रास्ते में बाढ़ चढ़ी है तथा इससे सभी यातायात के लिए बंद किया गया है। राकिराकी में नांगोरो फ्लैट्स में भी बाढ़ चढ़ी है। फिलहाल पश्चिमी विभाग यानी वेस्टर्न डिवीजन के अन्य इलाकों की ओर देखते हैं तो वहां बाटाउन में एलेवुका नदी में से बाढ़ का पानी ऊपर आ गया है। बाटाउन काउंसिल के सीईओ दीप नारायण का कहना है कि अगर रात यानी आज रात भी गंभीर पानी लगातार बरसा तब शहर में बाढ़ चढ़ने का खतरा है। नारायण ने बताया कि आज दिन में उन्होंने बाढ़ में सभी व्यापारियों, मार्केट के बेचने वालों तथा दुकानदारों को अपना सामान ऊपरी इलाकों तक पहुंचाने का आदेश दिया था। नारायण के अनुसार अभी तक उन्हें शहर के आसपास बाढ़ चढ़ने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की मांग की गई है। लेबर मिनिस्ट्री ने $2 मिनिमम वेज रेट लागू किया है, जो प्रस्तावित रकम से